यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फसलों की खरीद में अव्यवस्थाओं से परेशान किसान अब फसलों की खरीद में धांधली से खरीद से काफी परेशान हो गया है। हरियाणा के करीना अनाज मंडी से फसलों की खरीद में धांधली का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। फसलों की खरीद शुरू होने के बाद से ही किसान लगातार परेशान हैं। कभी मंडियों में किसानों के अनाज भीगने की खबर आ रही है तो कभी उनकी फसलों को आवारा पशु खा रहे हैं, लेकिन लगता है मंडी प्रबंधन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। तभी तो ऐसी तस्वीरें आने के बाद भी बद इंतजामी की खबरें आ रही हैं। बद इंतजामी तो छोड़िए, अब गेहूं की खरीद में धांधली की खबर भी आई है। ये मामला कनीना अनाज मंडी का है, जहां मोटे मुनाफे के चक्कर में किसानों की फसलों को निजी गोदामों में इकट्ठा कर उसे सरकारी खरीद एजेंसियों की बैग में भरा जा रहा है। मार्केट कमेटी के सचिव बसंत लाल का इस बारे में कहना है कि कोई भी व्यापारी अनाज मंडी से बाहर सरकारी बैग नहीं ले जा सकता और ना ही बाहर कहीं से सरकारी बैग में गेहूं भर सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, खरीद जो है वो मंडी में ही होती है या मंडी से बाहर भी सरकारी कट्टे भरे जा सकते हैं? ना, मंडी में होती है खरीद, लेकिन हमने देखा है कि मंडी के बाहर भी कुछ व्यापारी जो है वो गोदामों से माल खरीद रहे हैं। ना, हमारी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं भी कोई भर रहा है बाहर। हमने जो देखा सर, वो ककराला रोड पे है, एक गोदाम है, वहाँ से मैं वहाँ खुद गया भी था, वहाँ से ट्रक लोड हो रहा है और उठान भी वहीं से हो रहा है और भरे भी वही जा रहे हैं। वेयर हाउस के बता रहे, वेयर हाउस के गोदाम में चेक करते हैं जी और उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें मिलेगा तभी। दरअसल ठेकेदार की लेबर मंडी से दूर ककराला रोड स्थित एक निजी गोदाम में हैफेड के सरकारी बैगों में गेहूं भरा जा रहा था और भरे हुए बैग ट्रक में लोड किए जा रहे थे। वहां मौजूद मजदूरों का कहना है कि ये गेहूं सरकारी खरीद का है जो विनीत कुमार की फर्म के लिए भरा जा रहा है। रोजाना 1000 से 1200 बैग भरे जा रहे हैं। अच्छा, तो कितने कट्टे आप रोजाना भर रहे हो यहाँ? भरते हैं 1000-1200 की। 1000-1200 कट्टे रोजाना भर रहे हो? कितने दिन से भर रहे हो आप? भर रहे हैं 5-7 दिन से। 5-7 दिन से। टोटल कितने कट्टे भर दिए होंगे आपने यहाँ से? मान लीजिए ना, 1000-1200 भरते हैं, 7 दिन में कितना हो गया? 7-8 हजार कट्टे आपने भर दिए। नियम के मुताबिक मंडी में आने वाले किसान के गेहूं का मार्केट कमेटी की ओर से गेट पास जारी किया जाता है, लेकिन इस तरह से खरीदे गए गेहूं का गेट पास मिली भगत करके कार्यालय में बैठकर काट दिया जाता है और रिकॉर्ड की खानापूर्ति कर दी जाती है। वेयर हाउस की ओर से गेहूं की खरीद की गई, लेकिन खरीद के समय चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया। एक व्यापारी के निजी गोदाम में मंडी से बाहर एकत्रित किए गए गेहूं को सरकारी बैग में भरा जा रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि इस खेल की भनक अब तक मंडी के अधिकारियों को नहीं लगी है। कनीना से संवाददाता राजीव की रिपोर्ट।